Hello everyone, myself Arun Sharma, PGT Physics. Today we will start the next portion of grade 11 physics, unit number 3rd and chapter number 2nd, that is friction. In my last video we will discuss about Newton's law of equilibrium, in case of lift, law of inertia, impulse. So my next topic is friction, unit number 3rd, chapter number 2nd. Friction. So you know what is a friction? Friction. So friction is an opposing force that comes into play between two surfaces in contact when one body or tend to move over another body is called a friction. So you know what is a friction? Friction is an opposing force that comes into play between two bodies in contact when one body move or tend to move over the another body. Friction एक opposing force है. जब कोई दो चीजें, दो object एक दूसरे के contact में आएंगे तो एक object जो है उसके ऊपर roll कर जाएगा या move कर जाएगा, that is friction. It is an opposing force. जैसे हम road के ऊपर चल रहे हैं, that is also called a friction. हमारे जो शूज़ हैं उनके जो नीचे डिज़ाइनिंग क्यों करा होता है, उसको रफ बनाने के लिए. जितना ज़्यादा सरफेस जो है रफ सरफेस होगा, उतना ही ज़्यादा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है रोड के ऊपर या सरफेस के ऊपर ज़्यादा लगेगा. जितना स्मूथ सरफेस होगा उतना ही फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम रहेगा. आपने देखा भी हुआ है जैसे कि जो गाड़ी के टायर हैं उनके ऊपर भी डिज़ाइनिंग करी होती है और जो रोड है उसको भी रफ बनाया होता है. अब दोनों सरफेस जो है रफ है, जितना ज़्यादा रफ सरफेस रहेगा उतना ही ज़्यादा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा रहेगा. जैसे आप देखते हैं कि जैसे जैसे गाड़ी चलती जाती है तो उसका जो टायर है उसमें डिज़ाइनिंग धीरे धीरे ख़त्म होती जाती है. जब वो डिज़ाइनिंग धीरे धीरे उसकी ख़त्म हो जाएगी तो रोड के ऊपर उसका जो फ्रिक्शन रहेगा, पकड़ रहेगी, वो धीरे धीरे कम हो जाती है. जब जो टायर है उसमें डिज़ाइनिंग ख़त्म हो जाएगी तो जो गाड़ी है वो रोड के ऊपर क्या करेगी, स्किट करेगी. इसका मतलब उसमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है कम हो गया है. इसका आप और एक एग्जांपल भी ले सकते हैं. जैसे हमारे घरों में मार्बल पड़ा हुआ है, टाइल पड़ी हुई है, अगर उसके ऊपर पानी गिराओ और अगर आप भाग के जाएं तो आप एकदम से स्किट कर जाओगे, स्लिप कर जाओगे. क्यों? क्योंकि जो हमारा मार्बल है या टाइल का जो सरफेस है वो बिल्कुल स्मूथ है. जैसे ही आप उसके ऊपर मूव करेंगे तो आपका जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रहेगा उसके ऊपर वो बिल्कुल कम रहेगा, जिसके कारण आप उसके ऊपर स्लिप कर जाते हो. इसका एक सेकंड एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे रोड है, रोड के ऊपर गाड़ी जा रही है या रोड के ऊपर आपने पानी फेंका है, अगर आप भाग के भी जाते हो तो आप उसमें स्लिप नहीं करोगे. अब क्यों नहीं करोगे? क्योंकि जो रोड का सरफेस है वो क्या है, रफ सरफेस है. तो याद रखेंगे कि जितना ज़्यादा रफ सरफेस रहेगा उतना ही ज़्यादा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा, ज़्यादा. तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज एन अपोजिंग फोर्स विच टेंड टू मूव ओवर द वन बॉडी, मूव ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी, दैट इज कॉल्ड ए फ्रिक्शन. अब इसका मैं एक आपको लॉजिक बताता हूँ कि फॉर एग्जांपल ये कोई सरफेस है और इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे पड़ा हुआ है. क्लियर? लेट अस कंसीडर ए बॉडी ऑफ मास एम. इसका जो मास दिया है वो कितना है, एम है. ठीक है, तो रेस्टिंग ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस, हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर ये किस में, रेस्ट में. द फोर्स ऑफ ग्रेविटी कैंसल द नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द बॉडी. अब इसका जो वेट है वो डाउनवर्ड, वेट इज इक्वल टू एम जी, और जो इसका रिएक्शन है वो कहाँ है, ऊपर की तरफ है. अब हम क्या करेंगे, इस ब्लॉक के ऊपर कुछ हॉरिजॉन्टली फोर्स अप्लाई करते हैं. जैसे मैं इस साइड को इसके ऊपर क्या अप्लाई कर रहा हूँ, फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ. अगर मैं इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ तो ये जो दोनों सरफेस हैं, ये इसका सरफेस और इसका सरफेस जो है, इनमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा. अब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा जिसके कारण ये आगे की तरफ मूव करेगा. अब एक और टर्म्स आपने याद रखनी है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जितना ज़्यादा सरफेस एरिया कवर करेगा उतना ही ज़्यादा उसके ऊपर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी क्या रहेगा, ज़्यादा. जैसे फॉर एग्जांपल अगर इसी सरफेस के ऊपर एक बॉल रखूं और बॉल जो है आर एंड दैट इज एम जी, ये दोनों हैं, दोनों को हमने कंपेयर करना है.
इसको मूव करवाने के लिए या इसको मूव करवाने के लिए, किसको मूव करवाने के लिए ज्यादा फोर्स लगेगी? इस ऑब्जेक्ट को मूव करवाने के लिए हमारी जो फोर्स लगेगी वो ज्यादा, और इस बॉल को मूव करवाने के लिए हमारी जो फोर्स लगेगी वो कम। क्यों लगेगी कम? क्योंकि इसका जो सरफेस एरिया वो कम, दोनों का जो सरफेस एरिया है वो एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में बहुत ज्यादा कम है। जितना कम सरफेस एरिया रहेगा उतनी ज्यादा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी कम रहेगी, ये जल्दी रोल कर जाएगा। इसको फोर्स अप्लाई करेंगे कुछ डिस्टेंस यहां तक जाएगा, स्टॉप कर जाएगा, पर जब आप इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये रोल करता हुआ आगे की तरफ मूव करेगा। इट मींस इसके ऊपर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम रहेगी और इसके ऊपर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या रहेगी? ज्यादा रहेगी। क्लियर? तो आपने याद रखना है। इसमें आप एक और पॉइंट ऐड कर सकते हैं, ओरिजिन ऑफ फ्रिक्शन, द ओरिजिन ऑफ फ्रिक्शन लाइ इन द इररेगुलरिटी ऑफ द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट एट द मॉलिक्यूलर लेवल। द सरफेस मे अपीयर स्मूथ और माइक्रोस्कोपिक लेवल, बट देर इज ए रिजिड एंड बेली ओवर द मॉलिक्यूलर लेवल ऑल ओवर द सरफेस। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक आपके पास यहाँ पे ये इररेगुलर सरफेस है और ये आपका स्मूथ सरफेस है, यहाँ पे भी एक बॉल पड़ा हुआ है और यहाँ पे भी एक बॉल पड़ा हुआ है, ठीक है। आपने दोनों के ऊपर सेम मैग्नीट्यूड की फोर्स अप्लाई करा तो हो सकता है या एक या दो पीक मूव करे और यहाँ पे जाके ये स्टॉप कर जाए, और ये जो बॉल है आपने सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स अप्लाई करा और ये क्या करेगा? मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, और ये क्या करेगा? मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। अब इसमें क्यों है मिनिमम डिस्टेंस? क्योंकि इसमें इररेगुलरिटीज ज्यादा है। अगर इररेगुलरिटीज ज्यादा है तो इसमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी ज्यादा लगेगा। ये स्मूथ सरफेस है, इसमें इररेगुलरिटीज कम है, इट मींस इसमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या रहेगा? कम रहेगा, इसमें ज्यादा रहेगा। तो याद रखेंगे कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? एक तो करता है इररेगुलरिटी रफ सरफेस, और दूसरा डिपेंड करता है एरिया के ऊपर। जितना ज्यादा कोई भी ऑब्जेक्ट सरफेस एरिया कवर करेगा उतनी ही ज्यादा उसके ऊपर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी ज्यादा लगेगी। जितना कम सरफेस एरिया कवर करेगा उतनी ही फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उसके ऊपर क्या रहेगी? कम रहेगी। अब आगे याद रखेंगे आप कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो टू टाइप का है। एक बोलते हैं आप स्टैटिक फ्रिक्शन और दूसरा बोलते हैं आप डायनेमिक और काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक लिमिटिंग एंड काइनेटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक, डायनेमिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। यहां पे आप लिमिटिंग फ्रिक्शन भी बोल सकते हैं। अब याद रखेंगे व्हाट इज एन स्टैटिक फ्रिक्शन। द फ्रिक्शनल फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन ए बॉडी इज एट रेस्ट ऑन द सरफेस एंड रेस्ट ऑन द सरफेस इज कॉल्ड ए स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या बोल रहा हूँ? स्टैटिक फ्रिक्शन, द फ्रिक्शनल फोर्स कम्स इन टू प्ले व्हेन ए बॉडी इज एट रेस्ट ऑन द सरफेस, नो रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सरफेस एंड अंडर द एक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ये आपका सरफेस है, यहाँ पे कोई ब्लॉक पड़ा हुआ है और आपने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करा, पर आपका फोर्स का मैग्नीट्यूड इतना नहीं है कि इस ऑब्जेक्ट, ये जो ऑब्जेक्ट है ये मूव करे। आपने फोर्स अप्लाई करा बट ऑब्जेक्ट डज नॉट मूव, दैट मीन इट इज कॉल्ड ए स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक मीन रेस्ट। आप ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं बट ऑब्जेक्ट डज नॉट मूव, दैट मीन इट इज कॉल्ड ए स्टैटिक फ्रिक्शन। आगे बोलेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन। द फ्रिक्शनल फोर्स दैट कम्स इन टू प्ले व्हेन ए बॉडी इज जस्ट on the verge of a motion on the surface is called a limiting friction। जैसे अब आपने क्या करा कि आपके पास लिमिट है कि आप 1 न्यूटन का ही फोर्स अप्लाई कर सकते हैं, तो आपने इस ऑब्जेक्ट के ऊपर 1 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करा, 1 न्यूटन इज द लिमिट, दैट मीन इट इज कॉल्ड ए लिमिटिंग फ्रिक्शन। नेक्स्ट आप बोल सकते हैं कि काइनेटिक और डायनेमिक फ्रिक्शन। इसमें आप ये भी बोल सकते हैं कि द फोर्स जैसे ये आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, ये रिएक्शन, ये वेट mg, और आप इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे, तो
तो मीन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। आर को क्या बोलेंगे आप? नॉर्मल रिएक्शन, रिएक्शन। और एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शन को रिमूव करने के लिए मैंने यहां पे लगा दिया म्यू, और म्यू को बोलेंगे कॉफिशेंट, कॉफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन, कॉफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन। अगर आपने यहां से म्यू का वैल्यू निकालना है, म्यू इज इक्वल टू एफ अपॉन आर, क्या आ जाएगा? एफ मीन फोर्स एंड नॉ आर मीन नॉर्मल रिएक्शन। अब आगे थर्ड वन रीड करेंगे, काइनेटिक फ्रिक्शन। सो काइनेटिक और डायनेमिक फ्रिक्शन आर द सेम थिंग। द फ्रिक्शनल फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन ए बॉडी मूव ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी इज कॉल्ड ए काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक मीन अगर ये ऑब्जेक्ट पड़ा है, आपने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करा और ऑब्जेक्ट जो है कुछ डिस्टेंस कवर कर रहा है, दैट मीन इट इज कॉल्ड ए काइनेटिक फ्रिक्शन। तो ये तीनों आ गए। फर्स्ट स्टैटिक, आपने ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करा बट ऑब्जेक्ट डज नॉट मूव, इट इज कॉल्ड ए स्टैटिक फ्रिक्शन। लिमिटिंग मीन आपने कुछ लिमिट का फोर्स अप्लाई करा, ऑब्जेक्ट कुछ मिन्यूट डिस्टेंस कवर कर रहा है, दैट मीन इट इज कॉल्ड ए लिमिटिंग फ्रिक्शन। नेक्स्ट वन काइनेटिक फ्रिक्शन। द काइनेटिक फ्रिक्शन आर दोज फ्रिक्शन आर द फ्रिक्शन दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन वी अप्लाई द फोर्स ऑब्जेक्ट मूव ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी दैट इज कॉल्ड ए काइनेटिक फ्रिक्शन। अब यहां से आपने याद रखना है कि व्हाट इज एन एंगल ऑफ फ्रिक्शन या लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन के बारे में रीड करेंगे। ये फॉर्मूला आपने याद रखना है। लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। द लिमिटिंग फ्रिक्शन इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड पुल एंड एक्ट टेंजेंशियल टू द टू सरफेस इन कॉन्टेक्ट। क्या बोलो? लिमिटिंग फ्रिक्शन इज द अपोजिट, लिमिटिंग फ्रिक्शन इज द अपोजिट। मैंने पहले भी बताया आपको व्हाट इज एन लिमिटिंग फ्रिक्शन, तो यहां से बोल रहा हूं लिमिटिंग फ्रिक्शन इज द अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड पुल, टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड पुल। It's your first point and the second, the limiting friction is found is, या ऐसा भी बोल सकते हैं, the limiting friction is directly proportional to the normal रिएक्शन। मीन एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर एंड एफ इज इक्वल टू म्यू इन टू आर। म्यू इज द कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। एल लगा सकते हैं, एल एल मीन कोफिशिएंट लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये आ गया आपका सेकेंड पॉइंट। थर्ड में बोलेंगे द लिमिटिंग फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ अपरेंट कॉन्टैक्ट। द लिमिटिंग फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑन द एरिया ऑफ अपरेंट, अपरेंट मीन चेंज, अपरेंट कॉन्टैक्ट। इसके ऊपर इंडिपेंडेंट करेगा एरिया ऑफ अपरेंट कॉन्टैक्ट। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट, द लिमिटिंग फ्रिक्शन इज डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ सरफेस। द लिमिटिंग फ्रिक्शन इज डिपेंड्स अपॉन द नेचर
of two surface, nature of two surface in contact. नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा, कैसा नेचर है, स्मूथ सरफेस है, इरेगुलर सरफेस है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा. तो दीज आर द फोर लॉज फॉर ए लिमिटिंग फ्रिक्शन. फर्स्ट बोला लिमिटिंग फ्रिक्शन इज द अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड पुल या एंड एक्ट टेंजेंशियल टू द टू सरफेस इन कॉन्टेक्ट एंड एक्ट टू द टेंजेंशियल ऑफ टू सरफेस इन कॉन्टेक्ट. यहां तक भी लिखेंगे तब भी कोई बात नहीं है, अप्लाइड पुल तक. सेकेंड आपको पता है द लिमिटिंग फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन. यहाँ पे एल का यूज कर रहा हूँ, एल मीन लिमिटिंग फोर्स, म्यू एल मीन कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन. थर्ड बोला द लिमिटिंग फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ अप्लाइड कॉन्टैक्ट. लास्ट पॉइंट इंडिपेंडेंट का यूज कर रहा हूँ, यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन इज डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट. आगे हम रीड करेंगे इसमें, जहाँ पे इसी केस में अगर स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करें तो आप एफ एस इज इक्वल टू म्यू एस इन टू आर. म्यू एस मीन कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन. सिमिलरली अगर काइनेटिक फ्रिक्शन की बात करें, के इज इक्वल टू म्यू के इन टू आर, दैट इज म्यू के इज द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन. नेक्स्ट वन, आगे एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट. याद रखना है, इंपॉर्टेंट है ये. नेक्स्ट आ रहा है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट और एंगल ऑफ रिपोज. एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट आपको पूछ सकते हैं कि व्हाट इज एन एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट. तो एंगल ऑफ या एंगल ऑफ फ्रिक्शन फाई इज द एंगल बिटवीन द नॉर्मल रिएक्शन एंड रिजल्टेंट फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन. जैसे यहाँ पे मेरे पास एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है और हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर एक ब्लॉक पड़ा हुआ है, इसका रिएक्शन आर एंड वेट इज इक्वल टू एम इंटू जी. ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है और इस सरफेस को, इस ब्लॉक को मैं इस साइड को पुल कर रहा हूं, इसको क्या कर रहा हूं, खींच रहा हूं, मैं पुल कर रहा हूं. अगर आप इसको पुल कर रहे हैं तो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं इसके ऊपर एफ. इस रेक्टेंगुलर ब्लॉक को आप क्या कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं. तो जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा वो इसके अपोजिट, अगर ऑब्जेक्ट इस साइड को मूव कर रहा है जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो इसके अपोजिट लगेगा. अब यहां से ध्यान से देखेंगे, ये एंगल मैंने कंसीडर कर लिया फाई, दिस पॉइंट इज सी एंड ओ ए बी, इसको बोलेंगे ओ, इसको बोलेंगे ए पॉइंट, एंड दिस पॉइंट इज बी, एंड दिस इज आल्सो ए नॉर्मल रिएक्शन आर. अब आपने क्या निकाला है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट. तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट में अभी आपने पढ़ा कि यहां पे आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो या पुल कर रहे हैं आप इसको, तो एफ एल इज इक्वल टू फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, किसके इक्वल हमने कंसीडर करा हुआ है, एफ के इक्वल कंसीडर कर रहा हुआ है, और रिएक्शन इसका ऊपर को है तो आर इज इक्वल टू एम जी. रिएक्शन किसके इक्वल है, आपका एम जी के इक्वल है. यहां पे टेकिंग ट्रायंगल ओ ए बी, कौन सा ट्रायंगल ले रहा हूं, ओ ए एंड बी, या इसको ओ बी सी भी बोल सकते हैं या ओ बी सी, ओ बी सी, ओ बी सी, ओ बी एंड सी, दिस इज द फेस एंगल फाइव. तो बी सी, दिस इज बी सी, बी सी परपेंडिकुलर अपॉन ओ बी बेस. Perpendicular is equal to sin phi, base is equal to cos phi, sin phi upon cos phi, tan phi is equal to BC
अपॉन ओ बी। बिल्कुल ध्यान से देखना है आपने। अब जो बी सी है आपके पास, बी सी ध्यान से लिखेंगे, बी और सी इस साइड को आपका जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो लग रहा है दैट इज इक्वल टू एफ एल। तो बी सी को बोल दिया मैंने एफ एल अपॉन ओ बी किसके इक्वल है आर। अब एफ एल को क्या पुट करा है मैंने, एफ टेन फाइव इज इक्वल टू एफ अपॉन आर के इक्वल आ गया। अब एफ अपॉन आर अभी आपने पढ़ा, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, एफ इज इक्वल टू म्यू इन टू आर एंड म्यू इज इक्वल टू एफ अपॉन आर। तो इसको क्या बोल देंगे आप, एन फाइव इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया म्यू। म्यू मीन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, क्या बोलेंगे इसको, कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। यहाँ पे याद रखेंगे अगर आप इसका डिफाइन करना है व्हाट इज एन एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, तो बोलेंगे एंगल ऑफ फ्रिक्शन फाई इज द एंगल बिटवीन नॉर्मल रिएक्शन एंड रिजल्टेंट फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन इज कॉल्ड एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। तो यहाँ पे प्रूव करा हमने टेन फाई इज इक्वल टू म्यू मीन एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू कॉफिशेंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। नेक्स्ट ट्राई करेंगे हम एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज अब एंगल ऑफ रिपोज किसको बोलेंगे, एंगल ऑफ रिपोज अल्फा इज द एंगल ऑफ इंक्लाइंड प्लेन फॉर विच ए बॉडी placed on just tend to slide over the surface of another body। जैसे ये आपके पास inclined plane है और ये angle alpha है, इसके ऊपर मैंने कोई block रखा है और वो क्या कर रहा है, इसके ऊपर slide कर रहा है। जैसे यहाँ पे मैंने ये block रखा है, इसका reaction और weight mg के equal, क्लियर। और ये क्या कर रहा है, स्लाइड कर रहा है। अगर ये नीचे की तरफ स्लाइड कर रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स इसके अपोजिट लग रही है, ठीक है जी। तो मींस एफएल लिमिटिंग फ्रिक्शन ऊपर की तरफ है, ब्लॉक नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो जो ब्लॉक नीचे की तरफ आ रहा है, ये एंगल मैंने कंसीडर कर लिया अल्फा, इसको बोलूंगा मैं एम जी कॉस अल्फा बेस कंपोनेंट, इसको बोलूंगा मैं एम जी साइन अल्फा। द एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज किसको कंसीडर कर रहे हैं हम, अल्फा को, इज द एंगल ऑफ इंक्लाइंड प्लेन is the angle of inclined plane, जिसने क्या कर रहा है, ये block नीचे की तरफ आ रहा है, inclined plane for which a body tend to move over the surface. Tend to move over the surface या slide down, move भी बोल सकते हैं, slide down भी बोल सकते हैं। अब similar ये देखो, FL ऊपर की तरफ है, FL is equal to किसके equal है, mg sin alpha, reaction ऊपर की तरफ है, R is equal to mg cos alpha। ये आपके पास दो equation बन गई। अब इन इक्वेशन को, इसको नाम दे दिया मैंने वन, इसको नाम दे दिया मैंने टू। अभी पढ़ा आपने एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसको एफ कंसीडर कर लो, कैपिटल एफ, एफ इज इक्वल टू म्यू इन टू आर, म्यू इज इक्वल टू एफ अपॉन आर। अब एफ का वैल्यू क्या है, एम जी साइन अल्फा अपॉन एम जी कॉस अल्फा, ये कट गया। यहां से क्या चल रहा है, म्यू, म्यू इज इक्वल टू साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा, म्यू इज इक्वल टू टेन अल्फा।
ये था एंगल ऑफ रिपोज, जो एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट करा वो क्या करा, म्यू इज इक्वल टू टेन फाइव। तो याद रखना है कि कौन सा आपका एंगल ऑफ रिपोज है और कौन सा आपका एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट है। तो यहां तक आप ट्राई करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। सो थैंक यू।